हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज व्हिच हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर ऑर्डर 14। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था द इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। तो जब समन किया जाता है डिफेंडेंट को और जब डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों हाजिर होते हैं कोर्ट के सामने फॉर द फर्स्ट हियरिंग, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट हियरिंग में ही डिस्पोज कर दिया जाए। एंड अंडर व्हाट कंडीशन फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोज किया जाएगा, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर ऑर्डर 15। ऑर्डर 15 में वो एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोज नहीं किया जाता है, तो जो सबसे पहले काम होता है कोर्ट के सामने वो है इश्यूज को सेटल करना। मतलब जो कन्फ्लिक्ट है, जो मेनली कंट्रोवर्सी है, द मेन कंट्रोवर्सी है पार्टीज के बीच में जिस जिस पॉइंट पे, वो पहले डिसाइड करना, वो कोर्ट के सामने पहले डिसाइड करना वो जरूरी होता है। तो देखिए, तो जो इश्यूज है, द इश्यूज हैज बीन डिफाइंड अंडर ऑर्डर 14 इज इश्यूज अराइज व्हेन द मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ अ फैक्ट और लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर। ठीक है, तो अफर्म्ड और एलिजेड, तो एक पार्टी एलिज कर रहा है और दूसरा पार्टी डिनाई कर रहा है, तो यहीं पे कंट्रोवर्सी, यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और उसी द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट फर्स्ट। तब तो तभी जा करके उस जो डिस्प्यूट है उसको, उसके ऊपर एक डिसीजन कोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल प्रोपोजिशन कहा गया है, मटेरियल प्रोपोजिशन हैज आल्सो बीन डिफाइंड अंडर द सेम ऑर्डर। इसमें कहा गया है कि द मटेरियल प्रोपोजिशन इज दोस प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ which a plaintiff must allege in order to show his right to sue, or a defendant must allege to constitute his defense. तो mainly यहाँ पे समझ में आ रहा है कि the material proposition is nothing but the matter in issue. मैटर इन इशू। अब मैटर इन इशू के बारे में एक दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ए सिविल सूट। चाहे तो आप उस वीडियो में जा करके मैटर इन इशू के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देख के समझेंगे व्हाट इज मटेरियल प्रोपोजिशन और व्हाट इज मैटर इन इशू एंड व्हाट आर द मेन इशूज सेटलमेंट ऑफ इशूज। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना जरूरी है, देखिए हर जगह पे ये कहा गया है, इश्यूज के बारे में भी ये कहा गया है कि मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ, और यहाँ पे भी कहा गया है कि द प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ। तो इससे समझ में आ रहा है द इश्यूज आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, दैट इज इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड द अदर वन इज इश्यूज ऑफ लॉ। तो मेनली जो कन्फ्लिक्ट होता है वो मेनली तो फैक्ट के ऊपर कन्फ्लिक्ट मेनली जेनरेट हो सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लॉज के ऊपर भी, कोई पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी जेनरेट हो सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग विद एन एग्जांपल। सपोज देयर इज अ सिविल सूट बिटवीन ए वर्सेस बी। ठीक है, तो ए एलिज करता है दो पॉइंट, ए एलिज करता है कि देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, दैट इज द फर्स्ट क्लेम ऑफ ए, एंड द सेकेंड क्लेम इज दैट देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बी, देयर इज breach of contract by B. These are the two claim of A. तो A को, A का जो matter in issue है, A को अपना case prove करने के लिए A को मिली दो चीज prove करना पड़ेगा। पहला है title, उनका टाइटल प्रूफ करना पड़ेगा, और दूसरा है कॉज ऑफ एक्शन। तो देखिए, ये जो फर्स्ट क्लेम उन्होंने किया ए ने कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, इससे ए अपना टाइटल प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ए इज अ कॉन्ट्रैक्ट होल्डर, एंड द कॉज ऑफ एक्शन इस चीज से प्रूफ हो रहा है, प्रूफ करने
किया जा रहा है कि देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स ए हैज द राइट टू कॉम्पेंसेशन और डैमेज, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इंजंक्शन, दूसरा चीज भी हो सकता है। ओके, अब बी ये क्लेम कर सकता है, बी का पहला क्लेम हो सकता है कि द कोर्ट, जिस कोर्ट में ए ने सूट फाइल किया है, द कोर्ट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन, द कोर्ट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन, ये एक क्लेम हो सकता है पहला। अगर ये क्लेम बी करता है तो दिस विल बी, दिस क्लेम इज ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्योंकि कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है। फिर बी ने क्लेम किया, ए ने जैसे क्लेम किया था कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बी ने ये, बी ये क्लेम कर सकता है कि देयर इज नो सच कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो सच कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर बी ऐसा क्लेम करता है तो देखिए, ए क्लेम कर रहा है देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, बी क्लेम कर रहा है देयर इज नो सच कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एक पॉइंट है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है, तो दैट विल, इट विल बिकम एन इशू, ठीक है। एक दूसरे एग्जांपल में सेम पोजीशन है, सेम कंडीशन है, लेकिन सपोज बी ने क्लेम किया कि हाँ देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, बी ने एडमिट कर लिया देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बी ने क्लेम किया कि बट देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये जो पहला पॉइंट है, ये दिस कम्स अंडर मैटर इन इशू फॉर ए, दिस आल्सो कम्स अंडर मैटर इन इशू फॉर बी, लेकिन क्योंकि बी ने एडमिट कर लिया कि यस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे इश्यूज रिजॉल्व हो गया, क्योंकि बी के एडमिशन से वो इशू कॉन्फ्लिक्ट में जनरेट नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हुआ, पैदा नहीं किया, तो फिर वो रिजॉल्व हो गया, तो वो इशू नहीं बना। लेकिन ये जो सेकेंड पॉइंट है जहाँ पे ए क्लेम कर रहा है कि देयर इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बी ने कहा कि देयर इज नो सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज दिस पॉइंट व्हिच जनरेटेड द कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस बिकम्स द इशू। तो इस बी के एग्जाम्पल में देखिए, ये दो हो गया इशू ऑफ फैक्ट, और ये हो गया इशू ऑफ लॉ, तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो क्या किया जाएगा, जो इशू ऑफ लॉ है, द क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज टू बी डिसाइडेड फर्स्ट, दिस हैज टू बी डिसाइडेड फर्स्ट, तो तब उसको कहा जाता है दीज आर प्रिलिमिनरी इश्यूज, क्योंकि पहले प्रिलिमिनरी इश्यूज को रिजॉल्व बिना किए फाइनल इश्यूज पे हम नहीं जा सकते, तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ जो लॉ है उसको पहले रिजॉल्व करना होगा, क्या सच में कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं, या फिर अगर बार ऑफ लिमिटेशन भी बी ने क्लेम किया होता तो बार ऑफ लिमिटेशन पे भी डिसीजन लेने की जरूरत पड़ता पहले, तो पहले इस इश्यूज पे डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, उसके बाद आता है फाइनल इश्यूज पे, जो कि इशू ऑफ फैक्ट पे है, इशू ऑफ फैक्ट पे है, जो हमारे एग्जांपल में ये है इशू ऑफ फैक्ट, पहले प्रिलिमिनरी इश्यूज डिसाइड होगा, उसके बाद फिर जो फाइनल इश्यूज है उस पे डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। एंड द कोर्ट हैज टू गिव जजमेंट ऑन ऑल द इश्यूज, जितने इश्यूज रेज किया गया है, जितने इश्यूज सेटल हुआ है, उन सारे इश्यूज पे कोर्ट को डिसीजन, अपना जजमेंट देना है, ठीक है। अब देखिए, अभी तक जो हमने डिस्कस किया दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर ऑर्डर रूल 1 and 2 ऑफ ऑर्डर 14, अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसके पहले, अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं that this has been provided under rule 3, 4 and 5. तो rule 3 में क्या कहता है कि the materials from which issues may be framed,
तो किस किस मटेरियल को देख करके कोर्ट इश्यूज को फ्रेम करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्लीडिंग होता है, जो प्लेंटिफ ने जो जमा किया है वो प्लेंट जमा किया है, और जो डिफेंडेंट ने जमा किया है रिटर्न स्टेटमेंट। ऐसा हो सकता है कभी रिटर्न स्टेटमेंट ना भी कर सकता है, लेकिन जनरली रिटर्न स्टेटमेंट। तो दीज आर द प्लीडिंग ऑफ बोथ द पार्टीज। तो पहले प्लीडिंग को देखेगा, ठीक है। प्लीडिंग के बाद अगर कोई इंटरोगेटरीज जमा किया है और उसका जो आंसर दिया गया है बाय एनी पार्टीज, तो उस इंटरोगेटरीज को देखेगा, ठीक है। उसके बाद कोर्ट अपने खुद के हिसाब से भी जो पार्टीज है उसको एग्जामिन कर सकता है। अगर प्लीडिंग्स को देखने के बाद भी इश्यूज क्लियर नहीं होता है तो कोर्ट पार्टीज को भी एग्जामिन कर सकता है। तो पार्टीज को ऑन मेड ऑन ओथ एग्जामिन करेगा, ठीक है। या फिर कोर्ट अगर चाहे तो कोई भी पार्टी को, द कोर्ट कैन मेक देम प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी देखेगा। इन सारी चीजों को देख करके कोर्ट इश्यूज को सेटल करते हैं। द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज और द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, क्योंकि अगर एक्चुअल कंट्रोवर्सी ही नहीं पता चलेगा तो फिर डिस्प्यूट रिजोल्व होगा कैसे। और इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है कोर्ट से, कोर्ट के ऊपर ये डायरेक्शन दिया गया है कि डोंट जस्ट एक्ट मैकेनिकली, ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज एंड देन सेटल ऑन दोज इशूज। वरना क्या होगा, अगर एक्चुअल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं होगा तो फिर वो दैट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ लिटिगेशन। तो यही चीज देखिए, यहाँ पे रूल 4 में भी कहा गया है, रूल 4 में भी कहा गया है कि द कोर्ट में एग्जामिन विटनेस, सिर्फ पार्टी ही नहीं, पार्टी के जो अगर जरूरत पड़े तो विटनेस को भी एग्जामिन कर सकता है, और डॉक्यूमेंट बिफोर फ्रेमिंग सच इशूज, ठीक है। नॉट ओनली पार्टीज, पार्टीज के जो विटनेस है उसको भी एग्जामिन कर सकता है। और अगर बिफोर आई मीन सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो जाता है, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोर्ट को समझ में आता है कि कुछ गलती हुआ है, कुछ कोई भी एक इश्यूज को एमेंड करना है, या फिर कोई एक इशू ऐड करना है, या फिर कोई इशू को स्ट्राइक आउट करना है, तो वो भी कर सकता है। बट दैट हैज टू बी बिफोर बिफोर पासिंग ऑफ जजमेंट, बिफोर पासिंग ऑफ जजमेंट। तो इश्यूज को अमेंड या ऐड या स्ट्राइक आउट भी किया जा सकता है। नो अंडर दिस ऑर्डर 4 दो और रूल है, रूल 6 एंड 7, बट दिस टू रूल्स आर मोर हैज बीन एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस टू रूल्स इन ऑर्डर 36, ऑर्डर 36 इन स्पेशल केसेस। सो अबाउट द रूल 6 एंड 7 एंड अबाउट ऑर्डर 36, देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो लेक्चर क्लास वेयर वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द स्पेशल केसेस, एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज अंडर ऑर्डर 14 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। थैंक यू।